पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और राजनगर से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा सहित 7 कांग्रेसियों पर चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। इन लोगों ने बिना परमिशन के धरना प्रदर्शन किया था। खजुराहो थाने में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और राजनगर कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। बीजेपी जिला अध्यक्ष मलखान सिंह की रिपोर्ट पर ये अपराध पंजीबद्ध किया गया। पिछले दिनों कांग्रेस समर्थक सलमान खान की हत्या के मामले में दिग्विजय सिंह ने बिना परमिशन के टेंट लगाकर थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया था। खजुराहो थाना पुलिस ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, विक्रम सिंह नाती राजा सहित 60 अन्य लोगों पर 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। अपर कलेक्टर छतरपुर का प्रतिवेदन हमें प्राप्त हुआ था, जिस आधार पे हमने 188 आईपीसी की FIR रजिस्टर्ड करी है, जिसमें दो नाम जादे और अन्य करीब 60 से 70 लोग हैं। नहीं, इनके द्वारा ये थाना परिसर के सामने बिना कोई वैध अनुमति के टेंट लगा करके धरना प्रदर्शन किया गया था, जबकि पूरे प्रदेश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी हुई है। इसमें हमें प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, इस आधार पर हमने FIR रजिस्टर्ड करी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।